बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंस विंग की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। चिकन की बाकियात से निकला और इस्तेमाल शुदा तेल प्रोसेस करने पर हमीद ऑयल मिल सील कर दी गई। हजारों लीटर तेल, लिक्विड सोडा, रंग काट समय स्टरवर टैंक और बॉयलर भी बरामद कर लिए गए। डीजी फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने प्रेस रिलीज में कहा कि कुकिंग ऑयल बनाकर फरोख्त के लिए तैयार 55,000 लीटर तेल और 3,200 किलो लिक्विड सोडा बरामद किया गया। 1,680 किलोग्राम रंग कार्ड, 58 खाली ड्रम, 12 स्टोरेज टैंक और एक बॉयलर भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि ऑयल मिल के पास तेल खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड नहीं मिल सका, वेस्ट मटीरियल और चर्बी को तल्फ करने का रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया, जबकि इस्तेमाल शुदा तेल को साफ करके बाकियात से निकले तेल को दोबारा कुकिंग ऑयल में शामिल किया जाना था। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल शुदा मुजरे सेहत ऑयल कैंसर समेत मुतादिद मोहलिक बीमारियों का सबब बनता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ऑयल कहीं भी बन रहा हो तो शहरी टेलीफोन हेल्पलाइन, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट से इन्हें इतला देकर तआवुन करें। डीजी ने कहा कि पंजाब में किसी को भी इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे।